हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो दोस्तों, आज अपने जो बात करेंगे वो हमारा जो चैप्टर रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो है ट्रांजिस्टर। तो पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था कि डायोड क्या होता है, उसको रेक्टिफायर की तरह किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, और उनके ऊपर अपने न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं। आज जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा ट्रांजिस्टर। तो सबसे पहले आप ट्रांजिस्टर का मेन मीनिंग देखो क्या होता है। इसका जो मेन मीनिंग होता है वो होता है ट्रांसफर प्लस रजिस्टर। मतलब एक ऐसा युक्ति जो काम क्या करेगी, रेजिस्टेंस को क्या करेगी या संकेत जो होगा ना वो उसको क्या करेगी, निम्न प्रतिरोधी सर्किट से उच्च प्रतिरोधी परिपथ में क्या करती है, ट्रांसफर करती है। पढ़ा भी होगा आप लोगों ने कि जैसे ये मैंने एक ट्रांजिस्टर का सिंबल बनाया, ये इसका बेस हो गया, ये इसका इमिटर हो गया, ये इसका कलेक्टर हो गया। ये जो भाग जो होता है इसको इमिटर जंक्शन कहा जाता है, और ये जो भाग होता है उसको कलेक्टर जंक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो इमिटर जंक्शन को आप क्या करोगे, फॉरवर्ड बायस देते हो, जबकि कलेक्टर जंक्शन को क्या करोगे, रिवर्स बायस देते हो। तो फॉरवर्ड बायस इसको आपने दिया, इसको रिवर्स बायस दिया, तो यहाँ रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और यहाँ रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। रिवर्स में क्या होता है, ज़्यादा ही होगा। तो संकेत को क्या करता है, ये निम्न प्रतिरोधी परिपथ से उच्च प्रतिरोधी परिपथ में क्या करता है, ट्रांसफर करता है, तभी इसका नाम क्या पड़ा है, ट्रांजिस्टर। फिर हमने इसकी बेसिक स्ट्रक्चर अगर अपने बात करें या इसके टाइप कितने होते हैं, टाइप पढ़ने के बाद अपने इसकी बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि टाइप से आपको पता चलेगा। जैसे मैंने यहाँ एक ट्रांजिस्टर लिखा है जिसका नाम है पीएनपी। ये एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है, जब सॉरी एनपीएन ट्रांजिस्टर है, और ये दूसरा जो ट्रांजिस्टर है ये कौन सा है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है। अब यहाँ देखो, एक भाग जो होगा इसका इमिटर होगा, दूसरा बेस होगा, और तीसरा क्या होगा, कलेक्टर होगा। ये सेम काम इसमें होगा। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि जो डोपिंग वाला जो एरिया होता है, या जो इमिटर होगा या कलेक्टर होगा, वो सेम डोपिंग क्षेत्र होता है, यहाँ भी सेम है। जबकि जो बेस होता है वो इमिटर से भी विपरीत रहा है, और कलेक्टर से भी क्या है, विपरीत रखा जाता है। तो एक तो ट्राइब जो होगा आपका एनपीएन होगा, दूसरा पीएनपी होगा। और इसके अगर अपने सिंबल की अगर अपने बात करें, तो सिंबल के अंदर किस तरीके से रखा जाता है, तो यहाँ आप सिंबल भी समझ लो कि इनको किस प्रकार से आप बना सकते हो। ये अपना ट्रांजिस्टर की वीडियो है, वो दो या तीन पार्टों में होगी, ठीक है। ज़्यादा अपनी लंबी वीडियो नहीं खींचेंगे, 10-15 मिनट हाईएस्ट होगा। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें, और फिर मैं क्वेश्चन भी बताता रहूँगा कि किस तरीके से इन पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया, रीमीटर हो गया। अब यहाँ देखो, अगर इसको आप फॉरवर्ड बायस दोगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या जाएंगे, बेस की ओर जाएंगे। जब बेस की ओर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो धारा किधर है, ऐसे बाहर निकलेगी। मतलब इमीटर से क्या निकले, करंट बाहर निकलेगी। तो करंट बाहर निकलेगी तो आप तीर का निशान क्या कर दो, यहाँ बाहर दिखा दो। इसके अंदर उल्टा होगा, धारा कैसे जाएगी, होलो की दिशा में होती है ना करंट की डायरेक्शन, तो धारा कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो इमीटर से अगर आप तीर का निशान दिखाना चाहते हो पीएनपीए के अंदर, तो आप कैसे दिखा सकते हो, अंदर की ओर दिखाना पड़ेगा आपको। तो इस तरीके से यहाँ दो टाइप आपको दिखाई दे रहे होंगे कि तो पीएनपी होता है और एक एनपीएन होगा, दो ट्रांजिस्टर होंगे। फिर अपने बात भी करेंगे कि किसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है या किसका ज़्यादा क्यों किया जाता है। फिर देखो, तीन इसके क्या होंगे, टर्मिनल होंगे। स्ट्रक्चर की अगर अपने बात करें तो तीन टर्मिनल होंगे। देखो, कोई भी एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं, अपने एनपीएन उठा लेते हैं कि जैसे ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अब देखो, सबसे पहले आपको मैं इसमें बता देता हूँ परतें कितनी होगी, लेयर जो होगी, देखो एक दो और तीन, तीन लेयर होगी। जंक्शन की अगर अपने बात करें या संधि की अगर अपने बात करें, देखो कितनी होगी, एक तो ये जंक्शन होगी जहाँ ई और बी, यानी ई मीटर और बेस जहाँ जुड़ेंगे वो कौन सी जंक्शन होगी, ई मीटर जंक्शन, या इसको क्या बोल सकते हो, ई बी जंक्शन। तो ई बी जंक्शन या ई मीटर जंक्शन। दूसरा जंक्शन कौन सा होगा, दूसरा जंक्शन कौन सा होगा, ये होगा। इस जंक्शन की अगर अपने बात करें तो यहाँ कलेक्टर और बेस के बीच में, तो इसको कौन सी बोलोगे जंक्शन, दूसरी जंक्शन कौन सी होगी, सीबी जंक्शन, या इसको क्या बोलोगे, कलेक्टर जंक्शन। दो जंक्शन होगी। फिर देखो, ये जो भाग है इसको बोला जाता है अवक्षय परतें। अवक्षय परत और जंक्शन हमेशा बराबर होगी, ये भी आप याद रखना, जहाँ जंक्शन बनेगी वहीं एक अवक्षय परत बनती है। तो अवक्षय परतों की अगर अपने बात करें तो कितनी होगी, इसमें दो होगी। तो ध्यान रखना, जितनी जंक्शन होगी एक युक्ति के अंदर उतनी क्या होगी, अवक्षय परतें होती है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ जंक्शन भी तीन होगी, और सॉरी यहाँ जंक्शन भी दो होगी, तो अवक्षय परतें में कितनी होगी, दो होगी। फिर इसके टर्मिनल अगर अपने बात करें तो टर्मिनल आपको दिख रहे होंगे, कितने दिख रहे हैं,
तीन हो या तीन दिखाई दे रहे। तो इमीटर जंक्शन की अगर अपने बात सॉरी इमीटर अगर अपने बात करें इमीटर की, तो इमीटर होता कौन सा है, हिंदी में क्या कहा जाता है इसको, उत्सर्जक। एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा तो ये काम क्या करेगा, इसको आप फॉरवर्ड बायस दोगे तो इसको नेगेटिव से जोड़ोगे, और इस बात को कौन से टर्मिनल से जोड़ोगे, पॉजिटिव से जोड़ोगे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर किस ओर जाएंगे, कलेक्टर की ओर जाएंगे। पीएनपी होता है तो यहाँ से होल निकल कर जाते। तो ये काम क्या कर रहे हैं, एमिटर का काम क्या होता है, आवेश वाहकों को उत्सर्जित करना या बाहर निकालना। तो ये काम क्या करेगा, आवेश वाहकों को। एनपीएन होगा तो इलेक्ट्रॉन, पीएनपी होगा तो उत्सर्जित करना। फिर देखो कलेक्टर की अगर अपने बात करें तो कलेक्टर का मतलब क्या होता है, कलेक्ट करने वाला, संग्राहक। यहाँ कलेक्टर के अंदर देखो एन डोपिंग क्षेत्र है, और यहाँ से भी आपको पता है इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे तो इधर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन थे और इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इधर वो ये काम क्या करेगा, जो इमीटर से जो इलेक्ट्रॉन या होल जो आ रहे हैं इनको क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। मतलब इसका काम क्या है, आवेश वाहकों को एकत्रित करना। फिर देखो बेस की अगर अपने बात करें तो बेस देखो आपको डायग्राम में पता चल रहा है कि ये काम क्या करे, इमीटर और बेस को क्या करता है, जोड़ने, सॉरी इमीटर और कलेक्टर को क्या करता है, जोड़ने का काम करेगा। तो इमीटर और कलेक्टर को क्या करेगा, इमीटर एंड कलेक्टर जो होगा ना इनको क्या करेगा, जोड़ने का काम करेगा। तो ये तो इनकी आगे बेसिक स्ट्रक्चर कैसी होती है, आपको यहाँ इमीटर जंक्शन कौन सी होती है, कलेक्टर जंक्शन कौन सी होगी, या इनमें जंक्शन कितनी होगी, परतें कितनी होगी, उन चीज़ों के बारे में आपको पता चल चुका है। अब जो अपने बात करने वाले हैं कि इनमें डोपिंग कैसे रखी जाती है, या किसका एरिया बड़ा हुआ या किसका एरिया क्या होगा कम रखा जाता है, उसके बारे में देखेंगे। तो देखो आवेश वाहक उत्सर्जित कौन कर रहे हैं, इमीटर, तो डोपिंग ज़्यादा किस में होगी, इमीटर में, तो इसका मतलब ये तो पता चल ही चुका होगा। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं डोपिंग क्षेत्र, डोपिंग रीजन या डोपिंग क्षेत्र, ठीक है, हिंदी में भी आपको मैं बता देता हूँ डोपिंग क्षेत्र कहा जाता है। तो तीन टर्मिनल अपने पास या तीन जो क्षेत्र हैं वो कौन से हैं, इमीटर, बेस और कलेक्टर। इमीटर का काम यह है कि आवेश वाहकों को बाहर निकालना, तो मतलब डोपिंग ज़्यादा किस में होनी चाहिए, इमीटर में। बेस देखो पीएनपी और एनपीएन, यहाँ अगर होल होंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे, और आपको पता है इस पर जो चार्ज होगा इसके नेगेटिव होगा, विपरीत करेगा, तो मतलब जब ये यहाँ से होल जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन होगा उसको ख़त्म कर देगा, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से जाएंगे तो होल इसको ख़त्म करने का प्रयास करेगा। तो मतलब ये हुआ कि जो बेस जो है, बेस में हमेशा डोपिंग क्या रखें, कम रखें, ताकि ये आवेश वाहक क्या हो, कम हो, वरना क्या होगा, यहाँ से जितने भी आवेश वाहक चलते हैं ये ख़त्म हो जाते हैं, कलेक्टर तक क्या जाते हैं, कम जाते हैं। तो सबसे डोपिंग किस में ज़्यादा, इमीटर में, सबसे कम डोपिंग किस में, बेस में। तो ये आपको याद रखना है, तो सबसे ज़्यादा डोपिंग इमीटर में होगी, फिर कलेक्टर में होगी, और उसके बाद किस में होगी, बेस में होगी। तो ये थोड़ा डोपिंग क्षेत्र। फिर अपने बात करते हैं एरिया की, अगर अपने एरिया का अगर अपने बात करें कि किसका क्षेत्रफल बड़ा रखा जाता है, किसका कम रखा जाता है, तो देखो तो आपको अभी पता चल ही चुका है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेंगे या होल चलेंगे, यहाँ आएंगे तो यहाँ खुद के तो कुछ के कुछ खुद के तो थे इलेक्ट्रॉन या होल, अब यहाँ से और आ रहे तो ये कलेक्ट करेगा इनको, इसको जगह क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो एरिया किसका होगा, कलेक्टर का, और सबसे कम किसका होता है, बेस का होता है। बेस का क्यों कम रखेंगे, क्योंकि अगर बेस का अगर आपने एरिया बढ़ा दिया तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, यहाँ से जो आवेश वाहक आ रहे हैं वो यहाँ क्या होंगे, ख़त्म ज़्यादा होंगे, कलेक्टर तक क्या जाएंगे, कम जाएंगे। तो मतलब सबसे कम डोपिंग और सबसे कम क्षेत्रफल जो एक टर्मिनल का होगा या एक क्षेत्र का होगा वो कौन सा होता है, बेस होगा। तो ये तो आपको थी बेसिक जानकारी इनके बारे में। अब अपने बात करने वाले हैं कि ट्रांजिस्टर जो होता है इनको आप कितने मोड में प्रयोग कर सकते हो, कितने तरीके से इनको आप जोड़ सकते हो, वो देखो यहाँ से सवाल पूछा जाता है, और आप एग्ज़ाम उठा के देखोगे तो आपसे यही पूछा जाएगा कि जो इमीटर जंक्शन है वो फॉरवर्ड में है, कलेक्टर जंक्शन है वो भी फॉरवर्ड में है, तो ट्रांजिस्टर कौन से मोड में काम कर रहा है। तो यहाँ अपने काम क्या करेंगे, ये तो हो गया ट्रांजिस्टर का मोड, फिर अपने पास दो जंक्शन होगी, एक तो इमीटर जंक्शन होगी जिसको आप ई बी जंक्शन बोल सकते हो, और दूसरी जो अपने जंक्शन की अगर अपने बात करें वो कौन सी जंक्शन है, सी बी जंक्शन होगी, ठीक है। तीसरी अगर अपने बात करें तो इनका सर्किट कैसे बनेगा,
और फिर अगर अपने इसकी बात करें उपयोग कैसा इसका या यूज कैसे कर सकते हैं, तो ये चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी है। तो अपने देखें इनको किस प्रकार से जोड़ेंगे। तो यहाँ आपको इनको किस तरीके से जोड़ना है ये आप, तो देखो ट्रांजिस्टर का मोड है तो सबसे पहले अपने काम क्या करते हैं, इनको बाइसिंग दे देते हैं और उस तरीके से आप पता चल जाएगा। इमीटर जंक्शन है ना, इसको आपने क्या कर दिया फॉरवर्ड। कलेक्टर जंक्शन है, इसको भी क्या कर दिया फॉरवर्ड, यानी कि दोनों को फॉरवर्ड बाइसिंग दे दी। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में दोनों तरफ जो धारा जो होगी ना वो क्या होती, बढ़ जाती है। कि जैसे ये अपने पास क्या ट्रांजिस्टर है इस तरीके से, तो इसको भी आपने देखो ये क्या ई सॉरी ये क्या है कलेक्टर है, ये बेस है और ये इमिटर है। यहाँ सोच लो कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो ये तो क्या होगा नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ आपको काम क्या करना है पॉजिटिव जोड़ना है और यहाँ क्या जोड़ना है नेगेटिव। फिर इसी तरीके से इसको जोड़ोगे, इसको पॉजिटिव से जोड़ोगे और इसको नेगेटिव से जोड़ोगे, ये इसका डायग्राम बनेगा। दोनों तरफ क्या होगी फॉरवर्ड बायसिंग होगी, तो ये क्या होगा ट्रांजिस्टर जो मोड है इस मोड में काम करता है, उस मोड को कहा जाता है सैचुरेशन मोड या सतृप्त मोड। इस मोड के अंदर ट्रांजिस्टर के अंदर धारा बहुत ज़्यादा प्रवाहित होती है, इस समय ये काम क्या करता है क्लोज स्विच की तरह काम करेगा, यानी कि इसको इस्तेमाल आप स्विच की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरे काम क्या करना है, दोनों को क्या कर दोगे आप रिवर्स बार्स दे दोगे, रिवर्स दोगे तो ये टर्मिनलों को चेंज कर दो आप। टर्मिनलों को जब चेंज करोगे तो आपको पास इस तरीके का डायग्राम बनेगा, तो यहाँ नेगेटिव होगा यहाँ पॉजिटिव होगा, और यहाँ क्या होगा यहाँ नेगेटिव होगा यहाँ क्या होगा पॉजिटिव होगा। इस समय धारा नहीं जाएगी दोनों क्या होगा, तो दोनों तरफ धारा नहीं जाएगी, तो ये किसकी तरह काम करेगा ओपन स्विच की तरह काम करेगा, और इस मोड को क्या कहा जाता है कट ऑफ मोड या इसको अंतक क्षेत्र भी कहा जाता है। ध्यान रखना जिस समय उसमें धारा प्रवाह नहीं होती तो उसको अंतक मोड भी बोल सकते हो या अंतक क्षेत्र भी कहा जा सकते हैं। इमिटर जंक्शन को आपने दे दिया फॉरवर्ड बाइसिंग और इसको दे दिया रिवर्स बाइसिंग, मतलब है यहाँ तो आपने क्या देना है फॉरवर्ड बाइसिंग, तो आपने क्या किया फॉरवर्ड बाइसिंग दे दें इनको। यहाँ इसको डायग्राम थोड़ा ये सही कर लेना, क्योंकि यहाँ इसको फॉरवर्ड देना है यहाँ भी फॉरवर्ड है। अब इसको देखो कैसे करोगे, यहाँ तो अपने काम क्या करते हैं इसको फॉरवर्ड दे देते हैं, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, यहाँ इसको क्या दोगे रिवर्स दोगे, तो ये यहाँ पॉजिटिव होगा और यहाँ क्या होगा नेगेटिव होगा। इस समय ये काम क्या करता है एक्टिव रीजन में काम करता है, एक्टिव रीजन या एक्टिव मोड में काम करेगा या सक्रिय अवस्था में काम करेगा, सक्रिय मोड में काम करेगा। तो इस समय जो ट्रांजिस्टर्स होता है ना, इस तरह में इसका इस्तेमाल आप एम्पलीफायर की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि इस समय किसकी तरह काम करेगा एम्पलीफायर की तरह, यानी कि उच्च गेन वाला जो एम्पलीफायर जो होगा ना जिसकी दक्षता क्या होगी हाई होगी उसकी तरह काम करेगा। फिर देखो इसको आपने क्या कर दिया रिवर्स दे दिया, इसको फॉरवर्ड दे दिया। इस समय ये काम क्या करता है रिवर्स एक्टिव मोड, रिवर्स एक्टिव मोड, इसको फॉरवर्ड एक्टिव मोड भी बोल सकते हो आप, और इसको क्या बोल सकते हो रिवर्स एक्टिव मोड। तो रिवर्स का मतलब क्या हो गया विपरीत, एक्टिव का मतलब क्या होगा सक्रिय, और मोड को मोड बोलोगे, तो विपरीत सक्रिय जो मोड जो होगा ना उस समय क्या होगा ये ट्रांजिस्टर काम तो करेगा। आपने काम क्या किया था, जो आपने काम क्या किया था देखो यहाँ पे कि यहाँ इसको फॉरवर्ड दे दिया, अब की बार इसको क्या दे दिया रिवर्स दे दिया। जैसे मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ, जैसे मेरे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर है, आपने इसको अगर फॉरवर्ड दे दिया इसको रिवर्स दे दिया, तो यहाँ से होल यहाँ आएंगे इधर आएंगे अब की बार ऐसे ही आएंगे, लेकिन इसमें डोपिंग है कम है ना, तो काम तो करेगा ये इस समय, लेकिन क्या होगा आवेश भाग यहाँ कम संख्या में आएंगे। कम संख्या में क्यों आ रहे, क्योंकि इसमें डोपिंग कम है, तो उस समय ये काम तो करेगा लेकिन इसका जो गेन होगा ना वो क्या होगा कम होगा, मतलब एम्पलीफायर की तरह का तो काम करेगा लेकिन निम्न गेन होगा इसका। तो यहाँ इसका जो गेन होगा या इसका जो लाभ जो होगा जिसको आप क्या बोल सकते हो आउटपुट बटा इनपुट का जो अनुपात होगा वो क्या आएगा कम आएगा। डायग्राम अगर आप इसका बनाना चाहते हो तो इस तरीके से आप दिखा सकते हो। तो इसको तो आपको क्या करना है, इस वाले जंक्शन को तो रिवर्स देना है, रिवर्स देने का मतलब क्या हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर था तो इसको आप नेगेटिव जोड़ दो, इसको क्या कर दो पॉजिटिव जोड़ दो, इसको क्या कर देंगे अपने नेगेटिव से जोड़ देंगे, नीचे वाले को किससे जोड़ देंगे पॉजिटिव से जोड़ देंगे। तो इस तरीके से ये चार मोड है, इन चार मोड में क्या करता है ट्रांजिस्टर काम करेगा।
तो इस तरीके से इनके ऊपर सवाल पूछा जाता है कि जब ट्रांजिस्टर जो होता है एक्टिव मोड में काम करेगा तो उसको इमीटर जंक्शन होगी वो फॉरवर्ड में होगी या कलेक्टर जंक्शन फॉरवर्ड में होगी, इस तरीके से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है 100% बढ़िया क्वेश्चन बनता है और आपसे पूछा भी जाता है, और आप एग्जाम पेपर अगर पुराने एग्जाम पेपर उठा के देखो तो आपसे जो क्वेश्चन है इन पर जो बेसिकली होता है हर एग्जाम के अंदर एक ना एक ट्रांजिस्टर के ऊपर जब क्वेश्चन आता है तो इनके ऊपर बढ़िया सवाल बनते हैं। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो अपने बात करेंगे कि ट्रांजिस्टर वर्किंग कैसे करेगा, और फिर अपने बात करेंगे ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं। 2 से 3 वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट होगा। और दोस्तों चैनल को देखते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।